हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट की डेफिनेशन से सो वी आर गोइंग टू फॉर्मली डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन ओके सो लेट फाइ ऑफ एक्स वाई जेड बी अ स्केलर पॉइंट फंक्शन In a certain region of space, in a certain region or of three dimensional space, then the gradient of phi. is given by del phi okay so where del is equal to partial derivative with respect to x times i unit vector i plus partial derivative with respect to y times unit vector j Plus partial derivative with respect to z times unit vector k. Okay, so when we apply this del operator on the scalar point function phi, so we get its gradient. Okay, so del phi is the gradient of phi. So this will be equal to.

partial derivative of phi with respect to y j plus partial derivative of phi with respect to z times k so this is del phi or the gradient of phi so this is the definition of the gradient of a scalar point function phi So from here we can easily see that the gradient is a vector quantity okay so the point to note here is that the gradient of a scalar point function Is a vector quantity. Now let's have a look on an example in which we find the gradient of a given scalar point function. So we have an example. If phi of x, y, z is equal to 3x square y minus y cube z square find del phi

और इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है यानी हमने डेल फाइ फाइंड आउट करना है और इस गिवन पॉइंट पे सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके तो हमारे पास जो स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइ है फाइ ऑफ एक्स वाई जेड वो है थ्री एक्स स्क्वेर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वेयर ओके तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमने इस स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइव पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है सो डेल ऑफ फाइव जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था किसके इक्वल होता है पार्शियल फाइव में पार्शियल एक्स आई यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू y j प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू z k तो अब हम इस स्केलर पॉइंट फंक्शन 5 को डिफरेंशिएट करेंगे हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे सो so फर्स्ट हम फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x तो अब हम स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइव को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ हम बाकी वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट्स के तौर पर ट्रीट करेंगे तो जब हम थ्री एक्स स्क् वाई को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई को हम यहाँ कॉन्स्टेंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये होगा थ्री वाई कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्स टू एक्स माइनस अब y z square, क्योंकि इनको हम कांस्टेंट्स के तौर पे ट्रीट करेंगे तो ये डेरिवेटिव क्या होगा 0. इस तरह इस तरफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा थ्री वाई टाइम्स टू एक्स विच इज सिक्स एक्स वाई सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू वाई अब हम फाइव को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और हम एक्स को और जेड को यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स रखेंगे सो थ्री एक्स स्क्वायर वाई को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विच इज वन विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस वाई क्यूब Into का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई थ्री का डेरीवेटिव इस तरह पार्शल हो होगा वो है square square. इसी तरह पार्शल डेरिवेटिव ऑफ टू जेड अब हम जेड के लास्ट से डिफ्रेंशियट करेंगे जीरो so, माइनस ना y क्यूब कांस्टेंट होगा इनटू z स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z तो ये हो जाएगा 2z तो इस तरह ये डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2 y क्यूब z इस तरह हमारे पास ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए ओके okay? तो इनको अगर हम इस इक्वेशन में जिसको हम इक्वेशन वन कह लेते हैं इसमें पुट कर दें तो हमारे पास डेल फाई हो जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई आई प्लस थ्री एक्स स्क्वेर माइनस थ्री वाई स्क्वेर जेड स्क्वेर टाइम्स जे प्लस माइनस टू वाई क्यूब जेड के सो दिस इज डेल्फाई और अब हम इस ग्रेडियंट के इस एक्सप्रेशन में हम ये पॉइंट जो हमें गिवन था ये प्लग इन कर देंगे हमारे पास गिवन पॉइंट है वन नेगेटिव टू नेगेटिव वन अब हमने ग्रेडियंट को डेल फाइव को इस पॉइंट पे एवेल्युएट कर देना है ओके सो डेल फाइव एट द पॉइंट वन नेगेटिव टू नेगेटिव वन सो ये किसके इक्वल होगा तो अब हम डेल फाइव में एक्स को वन से वाई को नेगेटिव टू से और जेड को नेगेटिव वन से रिप्लेस कर देंगे

इंटू जेड के और अगर हम इसको एवेल्युएट करें तो यह आ जाएगा माइनस ट्वेल्व आई प्लस थ्री माइनस ट्वेल्व जे इन माइनस सिक्सटीन के सो विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस ट्वेल्व आई माइनस नाइन जे माइनस सिक्सटीन के ओके सो दिस इज अवर ग्रेडियंट एट द 1 पॉइंट टू एंड माइनस वन इस तरह ही हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है गिवन पॉइंट पे सो दिस इज अवर सोल्यूशन तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ग्रेडियंट आ रहा है सो दिस इज अवेक्टर सो हेयर इट इज अवेक्टर ओके okay, तो यहाँ हमने पॉइंट लिया वन नेगेटिव टू नेगेटिव वन और ग्रेडियंट में प्लग इन करने से हमारे पास एक वेक्टर आ गया ओके सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट है स्केलर पॉइंट फंक्शन का वो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि एक पॉइंट को थ्री डायमेंशनल स्पेस के एक पॉइंट को, को एक वेक्टर से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ओके okay, तो हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं Hence, the gradient of a scalar point function is a function which uniquely assigns a vector to every point of three dimensional space okay so it is a vector function okay so the gradient is a vector function because ye three dimensional space ke har ek point ko ek vector ke sath correspond karta hai to ye ek vector function hai अब हम gradient के कुछ theorems को study कर लेते हैं So we have first theorem about gradient. And this theorem states that if Phi and Psi are two differentiable. Scalar point functions and C is a constant then. number 1 del of c phi will be equal to c times del phi number 2 del of phi to the power n is equal to n times phi to the power n minus 1 times del phi number 3 del of phi plus psi is equal to del of phi plus del of psi number 4 del of phi times psi is equal to Pi times Del Psi plus Psi times Del Phi and Del of Pi over Psi is equal to Psi times Del Phi minus तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जितने भी फार्मूलाज हमने लिखे हैं ये सिंपल डेरिवेटिव के फार्मूलाज की तरह हैं. तो इस थ्योरम के इन तमाम पार्ट्स को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं सो वी हैव एन अदर थ्योरम on the gradient and this theorem states that del of f of r is equal to f prime r times r vector over magnitude of r vector Number 2, gradient of r to the power n is equal to n times r to the power n minus 2 times the vector r. So, where n is any real number. एंड डेल ऑफ आर इज इक्वल टू द वैक्टर आर सो इस थोरम को भी हम ईजिली प्रूव कर सकते हैं लेकिन इन थ्योरम्स के प्रूफ्स फिलहाल हम नहीं देखेंगे हम इन कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे और वहाँ पर फिर हम इन तमाम थ्योरम्स को ईजिली एलिस्ट्रेट करेंगे तो इस थ्योरम को यूज करते हुए अब हम कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स शो देट नंबर वन डेल ऑफ log of r is equal to the vector r over r square number 2 del of e to the power r square is equal to 2 e to the power r square into vector r in number 3 del of r cube is equal to 3r times the vector r so now let's solve this example so we will solve part 1 सोल यूज दिस फार्मूला दैट दल ऑफ एफ एफ आर इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ आर टाइम्स दैक्टर आर ओवर आर ओके तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ आर जो है वो किस इक्वल है लॉग नेचुरल आर की तो इसका हमने ग्रेडियंट फाइन करना है तो यहाँ सबसे पहले हम इसका डेरेवेटिव फाइन कर लेते हैं सो एफ प्राइम ऑफ आर तो है किसके इक्वल होगा वन बाय आर किसके इक्वल हो जाएगा फिर एफ प्राइम ऑफ आर विच इज वन बाय आर इनटू वेक्टर आर डिड बाय आर सो दिस विल बी इक्वल टू द वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो हमने ये प्रूव करना था डेट डेल ऑफ लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर नाउ सेकेंड पार्ट डेल ऑफ ई डू दावर आर स्क्वायर सो वी टू कैलकुलेट डेल ऑफ ई टू दी पावर आर स्क्वायर तो सेम वही फार्मूला हम यहां पे भी यूज करेंगे

हम एवेलुएट करेंगे डेल ऑफ आर क्यूब को ओके okay? तो यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ आर है देर इज इक्वल टू आर क्यूब एफ प्राइम ऑफ आर क्या होगा इसका डेरिवेटिव थ्री आर ओके, तो डेल ऑफ आर क्यूब यूजिंग द फॉर्मूला तो एफ प्राइम ऑफ आर विच इज थ्री आर स्क्र इन टू दर डिड बाई आर तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा थ्री आर Into the vector r. So this is shown that del of r cube is equal to 3r times the vector r. Now we have another theorem on gradient, and this theorem states that. del phi or the gradient of phi is a vector perpendicular to the surface phi of x y z is equal to c where c is A constant. Okay. जब हमारे पास कोई एक लेवल सरफेस हो फाइव एक्स इज इक्वल टू वाइजेंट तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव जो है वो हमें उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो एक वेक्टर देगा ओके okay. तो इस थ्योरम को इलेस्ट्रेट करने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल A unit normal vector N to the surface given by. Z क्वल एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर एट दू फाइव यहां पे हमें गिवन सरफेस के गिवन पॉइंट पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल तो गिवन सरफेस के नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो हमें पता है कि वो ग्रेडियंट होगा ओके तो हम यहां पे को उसके मैग्नीट्यूड पे हम डिवाइड कर देंगे ठीक है तो ग्रेडियंट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो इस तरह हमारे पास ये रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा लेकिन उससे पहले हमने गिवन सरफेस को

प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू जेड के तो अब हम इसके डेरिवेटिव्स ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा हम एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे वाई स्क्वायर और जेड को कांस्टेंट रखेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स इस तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू तो वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर और जेड को कांस्टेंट रखेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू वाई फिर डेरिवेटिव ऑफ़ फाइव विद रिस्पेक्ट टू तो जेड तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन तो ये हो जाएगा टू एक्स आई प्लस टू वाई जे माइनस के तो ये आ गया डेल्फाई तो अब डेल फाइव को हमने गिवन पॉइंट पे एवेलुएट करना है तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन था वो था वन टू फाइव अब हमने वन टू फाइव पे ग्रेडियंट को एवेलुएट करना है तो एक्स को हमने वन से रिप्लेस करना है वाई को टू से और जेड को फाइव से टू एक्स आई प्लस टू वाई जे माइनस के तो ये हो जाएगा हमारे पास टू 4j प्लस फोर जे माइनस के तो ये आ जाएगा हमारे पास डेलफाई तो अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन जो था वो क्या था डेल्फाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्फाई सो अब हम इस वेक्टर को टू 4j प्लस फोर जे माइनस के को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड इसकी क्या होगी तो हो जाएगा टू स्क्वेड प्लस फोर स्क्वेर प्लस माइनस वन स्क्वेर सो टू आई प्लस फोर जे माइनस के डिवॉड बाय तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा फोर प्लस सिक्सटीन प्लस वन सो दिस इज इक्वल टू टू आई प्लस फोर जे माइनस के ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेंटी वन सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन ओके तो इस तरह अगर हमने किसी भी गिवन लेवल सरफेस के प्रपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना हो तो हमने उसका ग्रेडियंट ले लेना है और अगर हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर या यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना हो तो फिर हमने ग्रेडियंट को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है यानी उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर लेना है ओके okay, तो आज के लेक्चर में हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन के ग्रेडियंट को डिफाइन किया और फिर उसके ऊपर थ्योरम्स को एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी किया